अगर तीन रजिस्टर को हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड करा पैरेलल में, तो आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और हर एक में करंट कितना फ्लो होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है, और टोटल करंट भी बताना है। मान लेते हैं, देखो एक बैटरी है हमारी है, ठीक है, जो कि 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। यहाँ से करंट निकला आई, ठीक है, करंट एक्स पॉइंट पे आते पहले होगा आई, और यहाँ पर आते ही तीन डिवीजन में डिवाइड होगा, I1, I2 और I3। अब आपसे पूछा है कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, वो आपको बताना है। सबसे पहले क्या करना, जो भी आपको गिवन है वो गिवन लिख देना यहाँ पर, जैसे हमको गिवन था हमने लिख दिया, R1, R2 और R3 गिवन था और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था। फिर उसके बाद जहाँ रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की बात आए, वहाँ एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, ठीक है। अब इसमें बताइएगा I1 के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 12 वोल्ट, ठीक है, जैसे दिख रहा है। करंट पहले वाला निकालना है I1 के लिए, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 5, ये 5 जाएगा नीचे, तो 12 अपॉन में 5 होगा इक्वल्स टू I1। यहाँ से I1 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी कैंसिल आउट होके 2.4 एम्पियर। दूसरा, अब हम दूसरा इसमें देखते हैं, अब बात करते हैं I2 की। I2 के लिए भी क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है, I2 से कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 10 ओम, ठीक है, तो 12 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू I2 होगा, इसे कैंसिल आउट करा तो 1.2 एम्पियर हमारा I2 आएगा। बात करते हैं तीसरे की, तो कितना हमें दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी है I3, और कितना रेजिस्टेंस अपना, 30 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है जैसे यहाँ पर, तो 12 अपॉन में 30 इक्वल्स टू क्या होगा, I3, ये इसे कैंसिल आउट करोगे तो एग्जैक्टली जो डिवाइड होने पर आएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप मेरी बात समझिएगा, I1, I2 और I3 करंट डिवाइड तो हो गया, बट वाई पॉइंट पे आते ही ये तीनों करंट जो है वो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद करंट आई ही बनाएगा, तो टोटल जो करंट होगा वो किसके बराबर होगा, ये बी पार्ट पूछा है अपने से, तो I1 प्लस का I2 प्लस का I3, यानी कि जो करंट टूटा था I1, I2 और I3 में टूटा था, वो लास्ट में मिलकर ही हमको I मिला, तो हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस का I2 प्लस का I3। तो आप अगर इसे प्लस करोगे कितना आएगा, 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 4 एम्पियर। अब तीसरा पार्ट पूछा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा वो बताओ आप। तो ये हमको दिखाई दे रहा है तीनों जो रेजिस्टर है वो कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में RP, RP यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 प्लस का 1 अपॉन में R3, राइट। अब क्या करना है, 1 अपॉन में RP, तो R1 कितना है अपने पास, 5, R2 10 और R3 30, इन तीनों का एलसीएम लिया हमारे पास कितना आया, देखो एलसीएम कैसे लेना है डायरेक्ट वो सिखाता हूँ आपको, 5, 10 और 30, ये सबसे बड़ा नंबर देखो क्या आएगा, 30, 30 में क्या 5 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, हाँ, 10 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो 30 हमारा एलसीएम है। अब 5 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाए, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की, उसी 6 की आपको ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आया ऊपर 6। 10 में किसकी मल्टीप्लाई करो 30 आ जाए, 3 की, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप 3 की, और 30 में किसकी मल्टीप्लाई करो 30 आ जाए, 1 की, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 की, 1 में, तो ये आ जाएगा हमारा 10 अपॉन में 30, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन में 3, यानी कि जो RP है यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल है वो 3 ओम के बराबर आएगा, तो RP कितना आएगा, 3 ओम।